हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टाइटल देखे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ में गेट रेडी विद मी शूट करने वाली हूँ मेरी फ्रेंड की शादी के लिए। सो मैंने सोचा मैं रेडी हो ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने ये साड़ी पहनी है, सीक्वेंस वाली साड़ी है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो चलिए और लेट नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना स्किन फेस मॉइस्चराइज करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और मेरी स्किन को ये काफ़ी अच्छे से सूट भी करता है। सो मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। अभी लिप्स मॉइस्चराइज कर लेते हैं। लिप्स मॉइस्चराइजर के लिए मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं वैसलीन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है ये। सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है, आप लोगों ने कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा मुझे इसे यूज़ करते हुए। ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, इसे मैं अपने आई प्राइमर एज आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आई बेस क्रिएट करना बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना आई बेस अच्छे से बनाओगे तो जितने भी कलर्स आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, काफ़ी ईजी होता है ब्लेंड करने में। तो अभी मैं अपने जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं सेट कर रही हूँ एक लूज़ पाउडर की हेल्प से। अभी मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पर एक ट्रांजिशन कलर को पिक कर रही हूँ, जिसे मैं पहले मैं कंफ्यूज थी कि मैं अपना आई मेकअप कैसे करूँ। सो और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी जल्दी कुछ भी कर पाती। सो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल सा एक स्मोकी लुक क्रिएट करके उसके बाद कट पीस दे लूँगी या फिर उसके बाद में कुछ भी हाईलाइटर कुछ भी लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और जल्दी जल्दी में मैंने ये सब कुछ शूट किया है। सो मैंने एक ट्रांजिशन कलर को पिक करके अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन किया है। अभी मैं इसको धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश भी लिया है, जिस पे मैं थोड़ा सा डार्कर शेड जा रही हूँ। पहले मैंने एक ट्रांजिशन कलर लिया था जो कि कुछ मरून टाइप में था, हल्का सा। मेरी साड़ी का कलर भी मरून है तो मैंने मरून कलर लिया था। अभी मैं थोड़ा सा ब्राउन जा रही हूँ, ब्राउन कलर को लेकर के अपने आउटर वी से इनर कॉर्नर की तरफ उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, ये वीडियो को शूट करके मुझे टाइम हो गया है। ये आई थिंक ये था प्रिया की शादी का वीडियो था, मैं प्रिया की शादी में जा रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, मैं उसकी शादी के लिए रेडी हो रही थी। तो ये 5 दिसंबर को उसकी शादी थी और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। सो मैंने अंदर ब्लाउज तो पहन लिया था, ऊपर से मैं कोट पहन के बैठ गई ताकि मुझे ठंड ना लगे, और मैं बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हो रही थी। सो आई मेकअप मैंने अपना स्मोकी लुक तो क्रिएट कर लिया है। अभी मैं इस पर हाईलाइटर लगाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अपने सेंटर पे आईलिड के सेंटर पे से मैं रख रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये फिंगर से काफ़ी ईजी होता है करना ब्रश से, आप क्योंकि आपने अपना बेस पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप अगर ब्रश कहीं इधर उधर होता है तो उसको बाद में ठीक करने में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने इसे फिंगर से ही करना प्रेफर किया। अभी मैं इसमें मैंने लिक्विड आई शेडो लिया था, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख के अगर आपको चाहिए तो आप मंगा भी सकते हो। इसे मैं लगा रही हूँ, लेकिन इसको लगाने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी ओवर हो रहा है। सो मैंने दो लिए थे, एक तो गोल्डन था और दूसरा जो था वो थोड़ा सा कॉपरिश काइंड ऑफ था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा गोल्डन ना लगे, क्योंकि मेरी साड़ी में सिल्वर का ही वर्क है और मैं इसे लगा रही हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे जब करने में बैठी थी ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा जैसे जैसे बनता जा रहा है मैं बस वैसे बना दूँगी, और वीडियो मैंने इसलिए शूट कर लिया क्योंकि आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था। अभी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं स्केच आईलाइनर लगाऊंगी जिससे जल्दी हो जाएगा, बट ये मैंने आई शेडो लगा लिया उसके बाद में ये उस पर चल ही नहीं रहा था, बहुत कलर पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, मैंने अभी तो मैं इसे लगा रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पे मुझे लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है। इसके ऊपर मैंने वापस से लिक्विड लाइनर ही प्रेफर किया लगाना और उसका कलर काफ़ी अच्छा आया था, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं सच में इतनी ज़्यादा प्रो नहीं। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ मैक्सिमम वो बाहर से मैंने लिए हैं, कोई भी ऑनलाइन नहीं लिया है, और जो भी मैंने ऑनलाइन लिया है उन सबका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल था जो मैं इसे लगा रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर का शेड है इसका। मैं इसमें कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने फेस पे, मैं पॉन्ड्स का जो बीबी क्रीम आता है उसे ही मैं अपने फेस पे एज अ फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। अभी एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। मैं अभी भी मेकअप करना सीख रही हूँ, सो आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा कि मैं ख़राब कर रही हूँ या मैंने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया है या कुछ भी है, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितनी भी है मैं आप सारी चीज़ें कवर करूँ, और कभी कभी क्या होता है जब आप जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हो और तो कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स मिस कर देते हो, जैसे कि मैंने सब कुछ लगा लिया उसके बाद में मस्कारा लगाने में भूल गई थी।
तो मैं उसे सबसे लास्ट में लगाने जा रही थी। अभी आप पूरा वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो मैं अभी सेम अपना कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ अपने हायर पॉइंट्स पे, जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है। इस टाइम पे मुझे फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से वीडियो मेरा काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस नहीं जा रहे थे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई थी तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी वजह से वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मैं वीडियो के साथ में से बात करते हुए जा रही थी क्योंकि मैं जल्दी से तैयार हो रही है। मम्मी बोल रही थी जल्दी करो, लेट हो रहा है। सो मैंने ब्लश के लिए एक मेरे पास लिपस्टिक है जो भी मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, सो मैं इसे एज अ ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे मैं स्पंज से अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। नेक्स्ट अभी मैं मेबिलिन का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ, जिसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर नहीं, अपने हायर पॉइंट्स पे जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है थोड़ा सा, वहाँ पे मैं इसे अच्छे से लगा के और कर लूँगी। और एक स्मॉल ब्रश से मैं पाउडर हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ अपना ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए एक स्मॉल ब्रश लिया है मैंने। ये लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर का शेड है। ऐसा सिमिलर अगर मुझे ऑनलाइन दिख रहा होगा कहीं पे भी तो मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑब्वियसली परचेज कर सकते हो। स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने लोअर लैश लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्रांजिशन और मैरून कलर को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट करने का मैं ट्राई कर रही थी। सो वो मैंने कर लिया है। अभी मैं साड़ी मैंने पहन ली है, अभी मैं ज्वेलरीज पहन रही हूँ जो कि ऑब्वियसली ऑफलाइन है। ऑफलाइन क्या, ये मेरी फ्रेंड की है, मैंने उसे लिया है, उसे मैं पहन के जा रही हूँ। मस्कारा मैं भूल गई थी, जिसे मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ, और मुझे बाद में ओवरऑल लुक कंप्लीट करने का आपको दिखाने का टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, मैं बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हो रही थी। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई।